और भाई लोग कैसे हो आप लोग। आ चुके अपनी घर माइनक्राफ्ट की बिंदास वीडियो में। तो गाइस आज हम जो हमने पिछला पार्ट हमारा आधा बच गया था, एक पार्ट अगर जिसने नहीं देखा उसे मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से चेक कर लेना। तो सबसे पहले जो आज हम करने वाले अपने डायमंड के हेलमेट के, ये गोल्ड के हेलमेट को ना रिकवर कर लिया, मतलब इसकी पावर फिर से बढ़ा ली, क्योंकि ना हम जाने वाले आज नैदर में और यहाँ से हम लाने वाले हैं ब्लैक पॉलिश ब्रिक, स्टोन ब्रिक, हाँ जो भी। तो सबसे पहले यहाँ पे आज हमें ये सोल स्पीड 2 मिल गई, तो ये बहुत बढ़िया बात है। और ऑक्सीडेंट और भाई बहुत सारे मस्त मस्त चमकीले पत्थर भी मिल गए हैं, जो कि उससे भी बढ़िया बात है। तो इन्हें कभी बाद में लगाएंगे अपने बूट्स में, शायद बूट्स में ही लगती हैं क्योंकि नाम से तो ऐसे ही लग रहा है। फिर से चल लेते हैं नैदर में। और यार अब ना मेरे को जो स्टोन मैंने बताए थे वही लूँगा, क्योंकि मेरे को ज़रूरत है, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। तो इनके नाम शायद ना पॉलिश ब्लैक ब्रिक्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ से मैं स्टोन कटर बना ले रहा हूँ, क्यों इससे ना मैं क्या करूँगा, स्टोन कटर को रख के यहाँ पे ना मेरे को वॉल बनाऊँगा इनसे। तो वॉल बनाने की तो आपको पता है, इसमें ना देखो कुछ इस तरीके से आपको रखना होता है ये। और इसके बाद आप ना ऑप्शन दिए जाते हैं 3, और उनमें से एक भी चूज़ करके आप उसे काट सकते हो उसके शेप में। तो ये भाई बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ से ना मैं इसे तोड़ लेता हूँ, क्योंकि इतनी दीवार हमारी ये फालतू है। और सबसे पहले बता दूँ यार, इस वीडियो को अगर जो भी देख रहा है तो भाई कॉपी मत बोलना। हाँ मैं मानता हूँ किया है कॉपी, तो भाई दिक्कत क्या है, जो अच्छी चीज़ होती है उसे कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ भाई आप भी करो, मैं भी करूँगा, सब करो, ठीक है। पर अच्छी चीज़ करो, गंदी चीज़ मत करो, अच्छी चीज़ सब करो यार, पेपर में चीटिंग नहीं, चीटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपको ना बाउंड्री बना लेनी है, फिर इसको ऊपर नीचे मत लगाना, नीचे भी मैं इस वीडियो में नहीं, वो यार बहुत बाद में दिखाऊंगा आपको, मतलब ये वीडियो है ही नहीं, इसमें ये वीडियो का काम नहीं ख़त्म है, पर कुछ बढ़िया करेंगे यहाँ पे भी, चिंता मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी स्टोन की ब्रिक्स लगा देता हूँ, स्टोन मतलब ब्लैक स्टोन ब्रिक्स पॉलिश्ड। तो अब ना क्या करते हैं, ये जो है ना इसे कहते हैं स्मूथ स्टोन। तो इसका देखो कुछ भाई हम ना बढ़िया सा उपयोग करना, उपयोग कह रहा हूँ, उपयोग भी बोल सकते हैं, यूज़ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके ना मैं स्लैब्स बनाऊँगा, ठीक है। अभी तो पहले इसकी वॉल बना लेता हूँ। अब इसके देखो स्लैब्स की ज़रूरत नहीं है, स्लैब जब बनाऊँगा तो बताता हूँ। इसके नहीं बनाने, वो कोवल कह रहा हूँ, स्टोन ब्रिक्स के, हाँ स्टोन ब्रिक्स के बनाने हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे 3, और यहाँ से कुछ इस तरीके से बनाना है, और फिर यहाँ पे ऐसे ये ब्रिक्स लगा देना है। फिर अब क्या करना है आपको देखो, सबसे पहले मैं ना अब लैडर बना लेता हूँ, स्टेयर्स नहीं बना रहा, वहाँ पे लैडर बना ले रहा हूँ। तो लैडर ना एच टाइप ना स्टिक रखोगे तो लैडर बन जाएगी। तो देखो मैं कुछ इस तरीके से स्टिक्स को एच टाइप में रख देते तो लैडर बन जाते, और लैडर को कुछ देखो इस तरीके से लगा देना है लाइक दिस, ठीक है। और इधर भी सेम साइड ऐसे ही कर दो। अब देखो यहाँ पे ना क्या करना है आपको, एक दरवाजे मतलब डोर की जगह छोड़नी है। और भाई सॉरी फॉर नॉइस, क्योंकि मेरे इधर ना कुछ हो गया तो ये नॉइस कर रहे हैं बच्चे, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले मैं इसके ना ब्रिक्स के वो बना लेता हूँ, क्या कहते हैं स्टोन ब्रिक्स के स्लैब। तो स्लैब से ना एक बढ़िया सा स्टोन बनता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसके एज इट इज़ इसके ऊपर रख दे तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये मस्त सा स्टोन बन गया है, तो इसे ना मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे आपको भी लगा देना है। और अब क्या करना है देखो, अब सबसे पहले हम ऊपर चल के आपको कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी ये कुछ इस तरीके से लगाने, नीचे वाला आप लगाओ या ना लगाओ मैं तो हटा दूँगा, मर्जी है। वैसे यहाँ पे भी यार कुछ करना है बढ़िया सा, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ और कुछ इस तरीके से देखो, ठीक है, इस तरीके से लगाना है इसके, मतलब बाउंड्री बनानी है इसके साइड में, ताकि गिरे ना, पर गिर सकते हैं पर भाई बचे रहेंगे, ठीक है। तो इसे हम सेम एज इट इज़ या सेकंड साइड भी ऐसे ही करना है, तो पहले इधर कर लेते हैं फिर उधर भी कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड से इसे पूरा कवर कर देना है, और आप भाई कोई और ब्लॉक से भी बना सकते हो, पर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर डोर लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखना क्या करना है, अब जो हमने वॉल बनाई थी वॉल को कुछ इस तरीके से लगाना है, 2 लगा के 1 का गैप, मतलब 2 लगाओ फिर 1 का गैप रख देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं रख रहा हूँ। अरे भाई पूरी बाउंड्री करनी है, तो भाई
इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर देना भाई, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और भाई थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर करवा दिए, ठीक है, और 10,000 घंटे का 10,000 व्यू भी कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।